करण जौहर एक बायस्ड होस्ट हैं। इस पर फाइनली जीशान खान ने रिएक्शन दे दिया है। घर से बेघर होने के बाद पहली बार जीशान ने तोड़ी है अपनी चुप्पी। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि जीशान का क्या है कहना। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल बोध के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। अब बात करते हैं कि जीशान जो कि टास्किंग बन गए बिग बॉस OTT के, जो कि जिस तरीके से बाहर निकले तो जनता का गुस्सा भड़क उठा और जनता ने बोल दिया कि भैया करण जौहर के शो में हुई है पार्शियलिटी। तीनों की गलती थी, निशांत की, प्रतीक की और जीशान की, लेकिन दंड जो है वो जीशान को मिला। अब ऐसे में जीशान को स्पॉट किया गया पेपराजी के द्वारा और जीशान ने तोड़ दी अपनी चुप्पी। पेपराजी ने उनसे पूछा कि करण जौहर क्या बायस्ड है, क्योंकि आपको वीकेंड पे बोलने भी नहीं दिया था और आप जो है आपको चुप करा दिया गया था। अब जीशान ने बहुत बढ़िया ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं दोस्तों, और जीशान बोल रहा है कि देखो करण जौहर के लिए मेरे लिए इमेंस रिस्पेक्ट है एंड ही वॉज डूइंग हिज जॉब एज अ होस्ट, आई वॉज डूइंग माई जॉब एज अ कंटेंडर। हाँ, मुझे इस बात का है कि अगर मुझे अपना पक्ष रखने दिया जाता तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात होती। और यहां पर जीशान ये बात बोलते हुए नजर आए कि देखो भाई मैं कौन होता हूं ये बात बोलने वाला कि होस्ट बायस्ड हैं या नहीं, ये तो जनता डिसाइड करेगी और जनता ने सब देखा है, 24/7 देखा है। जीशान ने यहां पर इस इंटरव्यू में ये भी बोला, जनता का डिसीजन सर आंखों पे, और जिस तरीके से जनता इमेंस लव दे रही है मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो जीशान ने तो भाई ना चाहते हुए भी कुछ कुछ ऐसी बात कह दी जो कि जनता बोल रही है। जनता क्या बोल रही है ये मेरे पास की वीडियोस में बनाया हुआ है मैंने कंटेंट। सो या कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको क्या है कहना। सो जीशान की और भी बातें आप लोगों के लिए लाता हूं मैं एक्सक्लूसिव ऑन फीफा फूज। इजाजत दें।